ब्रेक से लौटकर स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के करीब होने को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता सुनील शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पीडब्ल्यूडी ऑफिस पर ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की खराबी को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस नेता सुनील शर्मा ने ज्ञापन के माध्यम से पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी को अवगत कराते हुए कहा कि 7 दिनों में रोड का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो पीडब्ल्यूडी ऑफिस पर तालाबंदी की जाएगी। शहर के नाका से मल्लगढ़ा तक रोड निर्माण कार्य महीनों व्यतीत हो गए। आपने देखा कि युवा पत्रकार अतुल राठौर की भी वही सड़क गलत तरीके से ना बनने से, सीवर का चैम्बर खुला होने से उसकी मृत्यु हो गई। आज यहाँ वहाँ हालत यह कि धूल के गुब्बार उड़ रहे हैं, सड़क पर गिट्टी बिखरी पड़ी है, जिससे रोज युवा माता बहनें बच्चे चोटिल हो रहे हैं। लेकिन ये कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ भाजपा का शासन और प्रशासन रोड निर्माण कार्य करने में देरी कर रहा है।